पहले थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। 31 अगस्त 2016 मेरी लाइफ का सबसे खराब दिन, मेरे फादर की डेथ। तो उनकी तो डेथ हो गई, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो अभी तक मुझे बिलीव नहीं होता है। बहुत टाइम तक मेरे मुंह से पापा पापा निकलता ही रहा, कोई भी भाई आवाज मारे हाँ पापा, तो वो कहीं ना कहीं दबा रह गया। और वो तभी लिखी थी तो अब बता देती हूँ, जिसका टाइटल भी है। हमेशा एक ही ख्याल आता था मेरे माइंड में कि पापा तुम क्यों चले गए, तो इस कविता का भी टाइटल यही है, पापा तुम क्यों चले गए। आपकी उंगली पकड़ कर चलने वाली लड़की को आज आप इस दुनिया के सामने बेसहारा छोड़ गए, पापा तुम क्यों चले गए। जब आप मेरे पास थे तो लगता था कि भगवान है, जब आप मेरे पास थे तो लगता था कि भगवान है, क्योंकि भगवान वाले चमत्कार मेरी जिंदगी में तभी होते थे, पापा तुम क्यों चले गए। गुस्से में भी अपने जुबान से फूल बरसाने वाली कली थे आप, दुनिया की बुरी नजर से बचाने वाली छाया थे आप, कभी साथ ना छोड़ने वाली परछाई थे आप, पापा तुम क्यों चले गए। जब आप मेरे पास थे तो गम को भी एक गम था कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता, जब आप मेरे पास थे तो गम को भी एक गम था कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आप उस वक्त ढाल बनकर मेरे सामने खड़े होते थे। और जब आप आज मेरे पास नहीं है तो ये गम ये डर जैसे बेखौफ से हो गए हैं, पापा तुम क्यों चले गए। इसके बाद है कि पापा कम से कम मुझे इस दुनिया का सामना करने के लिए हिम्मत तो दे जाते। अच्छा सुनो पापा, कम से कम मुझे सही से बड़ा तो कर जाते, पापा तुम क्यों चले गए। पापा इन जिंदा लोगों से अच्छा तो आपका साया है, पापा इन जिंदा लोगों से अच्छा तो आपका साया है, क्योंकि आपका साया भी मुझे अकेला होने नहीं देता, आपका साया भी मुझे रोने नहीं देता, पापा तुम क्यों चले गए। अब ये लास्ट मैंने तब लिखा था जब उनकी अस्थियां विसर्जित करके सब आए थे, तो मैंने लिखा था कि इस टाइम की अनजान थी मैं इस राज से पापा, अनजान थी मैं इस राज से पापा कि शरीर आपका जलेगा और यहाँ खाक मैं होंगी, अस्थियां आपकी विसर्जित होंगी और खुशियां यहाँ मेरी बढ़ेगी, पापा तुम उसके पापा नहीं है। तो मैंने तब लिखा था कि सुनो लड़को, जरा सोच समझ के छोड़ा करो बिन बाप की बच्ची हो, सुनो लड़को जरा सोच समझ के छोड़ा करो बिन बाप की बच्चियों को, अपने जहन में ये ख्याल रखा करो कि तुम किसी जीती जागती लाश को अपने पैरों तले रौंद कर जा रहे हो, तुम किसी को जीते जी मार कर जा रहे हो। तो आई एम सॉरी, सबके लिए नहीं है, स्पेशली जो चीट करते हैं उनके लिए, तो माफ मत करना प्लीज, मत छोड़ा करो। सब प्यार होता है बॉयज में और गर्ल्स में, और मेरा ये भी मानना है कि इतनी बड़ी दुनिया में बहुत चुनिंदा लोग हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, तो कदर करो, उनके साथ रहो, शरीर तो बहुत मिल जाएंगे यार, बस एक साथ पार्टनर मिलेगा ना तो सब अच्छा लगेगा। थैंक यू।